नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण का दूसरा सेट, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा दो, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला देखते हैं, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तिलचट्टे को ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, तो इसलिए इसको सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाता है। अगला देखते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के पुष्कर में ही होता है। अगला देखते हैं, बालक चुनने में स्वतंत्र होता है? तो बालक मित्र चुनने में स्वतंत्र होता है। अगला देखते हैं, किसान के मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है, तो किसान के मित्र के नाम से केचुआ को जाना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? तो पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में केवल एक ही बार देखा जा सकता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। कुल 12 अनुसूचियां हैं और संविधान निर्माण के समय केवल 8 ही अनुसूची थी। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते, जिसका वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर होगा यह एक बंद तंत्र होता है, ये ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा जिसको डिक्लोफिनेक नाम से जाना जाता है, यह गिद्धों की विलुप्ति के होने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक से आशय है? तो रेड डाटा बुक से आशय संकटापन्न प्राणियों से या विलुप्त प्राणियों से। अगला है, निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, बाकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थित है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 में पारित किया गया था। बाकी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम यह पारित किया गया था 1974 में। और अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह पारित किया गया था 1980 में 1918 में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दशक है? तो जैव विविधता दशक बताना है, तो इसका आंसर होगा 2011 से 2020 तक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, रामसर संधि का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक पर्वतीय राज्यों में होगी, तो इसका आंसर क्या होगा उत्तराखंड। अगला देखते हैं, प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण को जानने एवं समझने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए, यानी कि उपयुक्त चारों सही हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का महत्व, पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा छात्रों को पर्यावरण के प्रति करके सीखने के योग्य बनाना, छात्रों को आगे की पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना।